नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमः बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमः या नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नाथ मे शरणं भजं बोधो मे शरणं वरं सज्जन बजे सज्जन हो तुझे जे जे मंगलामी परम पूज गुरु एलपी जी से मिली है या तालीम और सभी लोग मिली करके बोलिए नमो बुद्धाय जय भीम। सर्वप्रथम करुणा के सागर सम्यक सम भगवान बुद्ध विश्वगुरु भगवान बुद्ध परम पूज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हुए और परम पूज गुरु डॉक्टर एलपीजी के चरणों में नंदन अभिवंदन करते हुए उन्हें लाख बार वंदाम करते हुए परम पूज गुरु एलपीजी को जिनकी दया पात्र से आज हमने ये ज्ञान पा करके और उन्हीं के दया पात्र से हमने इस लायक के हुए और सबसे अपने माता पिता जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हुए आज आप लोगों के सभी के बीच में हम आप लोगों के सभी के बीच में एक महान वीरांगना उदा वीरांगना झलकारी बाई की जो पावन जीवन परिचय की कथा है आप लोगों के समक्ष हम लेकर के अंश स्टूडियो लखनऊ के माध्यम से आप लोगों के समक्ष आज महान वीरांगना झलकारी बाई के जीवन परिचय की तरफ लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम अपने धम्म गुरु जी के चरणों में दो लाइन वंदना की। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान बुद्ध के चरणों में सुख केवल भगवान बुद्ध के चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल हे बुद्ध आपके चरणों में
संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान बुद्ध के चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, दया भैया नीरज और भैया, चाहे अग्नि में मुझे चलना पड़े, चाहे अग्नि में मुझे चलना पड़े, हम धम्म को सदा बढ़ाते रहे गुरुदेव तुम्हारी दया से। सदा बढ़ाते रहे गुरु देव तुम्हारी दया से, दया से मिलता है सच्चा सुख केवल बाबा साहेब के चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। मिलता है दया भैया लला क्लेश और भैया। हाँ भैया, माता और पिता के चरणों की, माता और पिता के चरणों में, माता और पिता के चरणों में, हम शीश झुकाए बारंबार गुरुदेव तुम्हारी दया से। शीश झुकाए बारंबार गुरुदेव तुम्हारी दया, दया भैया शिवम भैया कहना है दुल्हन। आज सुमिरन करके रे गुरु अल्पी को पद चरणन में ध्यान लगा, दया लला क्लेश ए फिर मैं सुमिरू गुरु मैया के जिनन पालो लला समान।
माता पिता रे की हमारे मनाई ले जिनकी दया हम पे हुई जाए दिन दिन खेले उनकी गोदी में बबूला मो पे हो मसाई अच्छे नीरज आज जो महान जलकारी बाई वीरांगना के जीवन परिचय किस तरफ आप लोगों को लेकर के चल रहे हैं ध्यान देंगे जो यहाँ के लोग हैं सामंती लोगों ने यहाँ के लोगों ने अपना इतिहास बनाने के लिए अपना इतिहास जगाने के लिए जो हमारे तुम्हारे इतिहासों को यहाँ के लोगों ने जला करके राख में मिला दिया जला करके राख के देरी में तब्दील करके हमारा तुम्हारा इतिहास यहाँ के मनवादी लोगों ने अपना इतिहास बना करके कायम कर दिया जो ये महान वीरांगना झलकारी बाई का इतिहास है गौरवशाली इस इतिहास को लेकर के हम आप लोगों के बीच में आए जो हमारी समाज की बहनें हैं इनको शायद पता नहीं है हम इस देश के कभी वीर हमारे इस देश में महान महान वीरांगनाएं हुई और उन महान वीरांगनाओं को क्रांतिकारी कथा को आप लोगों के बीच में बहुत कम दर्शाई जाती है इसीलिए हम बहनों से अपने कहना चाहते हैं बहनों विचार करेंगे माताओं गौर करेंगे कैसे हमारे तुम्हारे ऊपर यहाँ के मनवादी लोगों ने अत्याचार किया आप लोगों ने जनपद जिला एक झांसी जो है यूपी में आता है उसी जिले झांसी की जो है बात हम आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं आइए गौर करें इतिहास के तरफ लेकर के चल रहे हैं जो हमें हमसे गलती हो जाए क्षमा करना भैया संदीप भैया सुनो सभी दे ध्यान लगाए के कान तुम्हें समझाऊं और महान वीरांगना की कहानी वीरन गाऊं महान वीरांगना की कहानी हम गाऊं झांसी जिला सोधाम सुनो दे ध्यान तुम्हें समझाऊं भाई जिले की भैया आजुरे कहानी वीरन गाऊं भाई जिले की भैया आजुरे जिले के अंदर एक जो पीरन ग्राम है भाई ग्राम भोजला की रे कहानी वीरन गाऊं ग्राम भोजला की रे कहानी वीर
आज झांसी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो यूपी के दरमियान आता है झांसी का नाम, उसी झांसी जिले की घटना है जो हम आप लोगों के बीच में समझा रहा हूं। बहनों भाइयों विचार करेंगे, उसी ग्राम बोझला में एक रहते थे बहुत सम्मानित व्यक्ति। अरे रहते एक सुनो ये भाई, अरे रहते थे दादा एक भाई, जो हम नाम तुम्हें समझाई, जो हम नाम तुम्हें समझाई, कोरी समाज की आयु कथा हम रहे वीरन तुम्हें समझाई, भाई ग्राम बोझला में भैया रहते एक सदोवर राव, उसी कोरी परिवार में जो है एक उसी ग्राम बोझला में सदोवर राव रहते थे। सदोवर राव ने एक सम्मानित व्यक्ति थे, उन्हीं के घर में उसे ग्राम बोझला में वीरांगना झलकारी बाई का जो जन्म हुआ, मैया जमुना बाई के गर्भ से। और कब हुआ जन्म भैया? आज अरे बैसनवम बरयाई गो भाई, बैसनवम बरयाई गो भाई, बोझला में खुशियां छाई, ग्राम बोझला में खुशियां छाई, अठारह नवंबर रेती सयसबी में बहना आई बोझला धाम, जन जन में अब बजी बधाई बहना नाम करे अब आज, आज धीरे धीरे कथा हमारी आगे जाई रही है भैया, धीरे धीरे कथा हमारी आगे जाई रही है, तो धीरे धीरे आज कहानी आगे जा रही है, आ
आज जो है 22 नवंबर 1830 ईस्वी में बहन वीरांगना झलकारी बाई का जन्म हुआ। आज बोझला गांव में जो है खुशियां की बधाइयां बजने लगी भैया, और खुशियां की बधाइयां जब बजने लगी तो हुआ क्या है, आज ग्राम बोझला में कैसे बधाइयां बज रही हैं? कैसे भैया? अरे टूटली मड़िया गरीबी के हाल घर, बिटिया भई घर बिटिया भई, टूटली मड़िया गरीबी के हाल घर, मोड़ी भई हो घर मोड़ी भई, टूटली मड़िया गरीबी के हाल घर, बिटिया भई घर बिटिया भई, भैया आज ग्राम बोझला में खुशियां की बधाइयां बज रही हैं। आहा। और पिता सतोवर ने गोदी खिला में, ओवर है गोद में खिला में, पिता सतोवर ने गोदी खिला में, पिता सतोवर भैया गोदी खिला में, यमुना मैया गोदी खिलाई रही है, यमुना मैया मैया गोदी खिलाई रही है, यमुना मैया, टूटली मड़िया गरीबी के हाल घर, बिटिया भाई घर बिटिया भाई, आज इस प्रकार से बोझला में खुशियां की बधाइयां बजती रही, लेकिन लोगों हुआ क्या है, बचपन में है जो है वीरांगना झलकारी बिना मैया की बिटिया हो गई, और बिना मैया की बिटिया तब हो गई बाला ही पन में, बिटिया के ऊपर दुख का पहाड़ जो है टूट गिरता है। आज मैया बाला ही पन में छोड़ करके झलकारी की जली गई, और आज पिता सदोवर और उस बालापन की बिटिया की उम्र किस प्रकार से बिलख रही है। अरे ले मैया की लासी आज बबुला रहे बिलखाई रे, आज रो रहे हैं सदोवर याद कर रहे हैं, आज हमारी बारिश बेटी है, बारिश हमारी लली दुलारी है, इसका कौन देखा देख रेख करेगा, कौन इसका लालल पानल करेगा, आज बिलख रहे हैं और बिटिया झलकारी भी रो रही है। लगोदी में लास बबुल ने अब तो रुदन मचाई रे,
भी लग रही झलकारी बिटिया बारी सीरे उमरिया रे आज कैसी मुसीबत पड़ी है और उस मुसीबत में कोई सहारा देने वाला नहीं है। आज जो है बिटिया बिलख रही है, काफी समय हो गया है। पिता सोचने लगे अब बेटी, बिटिया झलकारी को धीरज बंधाने लगे, कहने लगे बिटिया अब रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी मैया ही अभी तुम्हारे मैया का देहांत हुआ है, अभी मैं जिंदा हूँ बेटी, हम तुम्हारा लालन पालन करेंगे मेरी लली, रो मत। लल सिसकी रोई रही रे पारी अब सुकुमारी रे बालपन में मातुआ जुरे छोड़ के गई रे भागी ओ तथा में आगे कोरे तुम कर समझाई रे बहनया जो वीरांगना की हम गाथा रहे दरसाई रे आज वीरांगना झलकारी बाई की बचपन में ही मैया मर गई और मैया का जो है प्यारे हरि लोग नहीं समझ सकते हैं। बेटा का जो प्यार है मैया से पूछो, मैया ही उस मैया का कर्ज हम लोग कभी नहीं चुका सकते हैं। जिस मैया ने 9 महीने अपने गर्भ में रख करके हमको तुमको जीवन दान दिया, खुद गीले में सो करके खुद सूखे में हमको तुमको सुलाने का। मैया ने एक वक्त भूखे सो जाती है लेकिन हमको तुमको भोजन खिलाती है, कहीं से लाए। आज बिटिया जो है बिलख रही, पिताजी ने कहने लगे बिटिया तुम रो मत, आज से हम तुम्हारा लालन पालन करेंगे। इधर जो है झलकारी के बाला हिपन में काफी बोझ आ जाता है। आज पिता दिन रात खेतों में काम किया करते हैं और बिटिया झलकारी जो है घर की देखरेख करती है, और देखरेख करने के बाद में आज जंगल को जाती है लकड़ियां तोड़ने के लिए, कुल्हाड़ा रख लेती है कंधे पे, और कंधे पे कुल्हाड़ा रख करके जंगल को जाती है झांसी के लकड़ियां काटने के लिए। और इधर लकड़ियां काट करके वापस चली घर के लिए। आज अंधेरा हो जाता है और झलकारी ने जंगल में घनघोर जंगल से आ रही थी, रास्ते में एक तेंदुआ उस पे हमला कर दिया जो चीते के प्रजाति का होता है तेंदुआ, वो मनुष्य के जो होता है मार देता है, मनुष्य का ही भोजन करता है। आज उस तेंदुआ से वीरांगना झलकारी ने मुकालबा करती है और करते करते मुकालबा उस तेंदुआ को जो है मार देती है। तेंदुआ को मार दिया झलकारी बाई ने, इधर ग्राम बोझला के लोगों ने देखा सुना, जाते हैं देखा अरे तेंदुआ तो मरा पड़ा है। आज वीरांगना झलकारी बाई की जो है वीरता ग्राम बोझला में छा गई,
चारों ओर ग्राम बोझला के लोग कहने लगे, भाई सदोवर की बेटी मामूली बिटिया कोई नहीं है, वीर है इसका जो है सदोवर का, ये नाम रोशन करेगी। इधर होता क्या है लोगों, दिन दिन चानी भैया जझलकारी, दिन दिन चानी भैया जझलकारी, माता पिता के नाम भैया संदीप, माता पिता के नाम आज भारत में करी गई है, माता पिता के नाम आज माता पिता का नाम झलकारी ने पूरे संसार में रोशन कर गई। आज भैया जो है वीरांगना झलकारी के यश की किरण जो है छाने लगी। इधर जो है एक बार की घटना हम बता रहे हैं, झांसी के मुखिया के वहां डाकू ने डाका करने के लिए आए, डाका डालने के लिए। महान वीरांगना ने डाकुओं से पंगा लिया, डाकुओं को जो डाकू होते हैं उनको मार करके भगा दिया। अब तो महान वीरांगना की यश जो है बहुत संसार में छा गई। आज कहने लगे, आज भाई सदोवर की बिटिया जो है आज मामूली बिटिया नहीं है। आज इधर जो है बिटिया सयानी हो गई, और सयानी जब हो गई हर एक माता पिता को जो है चिंता छाई रहती है, मेरी बिटिया सयानी हो गई है और इनको जो है शादी के लायक हो गई है। आज सभी लोग ने, आज सभी लोगों ने सदोवन ने देखा, कहने लगे भाई बिटिया की शादी करना चाहिए। शादी के आज शादी की ढूंढने के लिए सुंदर जो है भर ढूंढने के लिए भैया बढ़े हैं आगे को, कहां पहुंचे हैं कहां भैया। आज चले सदोवर हैं आगे को, चले सदोवर हैं आगे को, सुंदर बर ढूंढन को धाये, घर में बिटिया उनकी सियानी, बबूला पहुंचे अब झांसी में, बबूला पहुंचे अब झांसी में, वहां पे यका बरानो तलाशो है बबूला ने, आज झांसी में पहुंच जाते हैं सदोवर राव ने। सुंदर सा जो है एक बर जो है ढूंढ पाया, जिसका नाम था पूरन कोरी। पूरन कोरी सुंदर सा बर मिला, बहुत सुंदर है,
जो पूरन कोरी था, ए लक्ष्मी बाई जो झांसी की रानी थी, लक्ष्मी बाई के सेना का एक सिपाही था। आज उस झांसी में सुंदर सा बर ढूंढा और सुंदर बर ढूंढ करके उसी पूरन कोरी के संग में रिश्ता तय कर दिया गया। आज बारात आती है और बारात जिस समय आती है, आज ग्राम मोझला में कैसे बारात आई है भैया नीरज। आज जो है बहुत ग्राम बोझला में अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर जो है गली सजी है। आज हुआ क्या है, अरे झांसी से अब चली बरायत, झांसी से अब चली बरायत, चली बरायत की चली बरात, ग्राम बोझला की धरती पे आई झांसी से रे बरात। अब तो ग्राम बोझला भैया, अब तो ग्राम बोझला देखो ये बरायत आई है, अब आई है ग्राम बोझला में बारात आ गई झांसी से। आज झांसी से बारात आती है ग्राम बोझला के लिए, वीरांगना झलकारी जो है आज शादी होने के लिए। आज समय आ गया शादी का और उसी जो है पूरन कोरी के संग में शादी कर दी गई। आज विदाई का समय आया है, सखी सहेली आती हैं, आज कहने लगी बहन आज बालापन से हम तुम एक साथ में खेली और सयानी हुई, आज हमारा जो है हमारा तुम्हारा साथ छूटा जा रहा है। आज अच्छे प्रकार से हमें सजा दो, मेरा श्रृंगार बना दो, हम जो है झांसी के लिए जा रहा हूँ। आज सखिया सिंगार करके विदाई करने लगी, कहने लगी बहन सुनो बोलो। आज बोली सहेली झलकारी से सुनियो मेरी बात, बोली बहना झलकारी रे सुनियो मेरी बात, संगत मेरी अब छूटी, ए संगत मेरी अब छूटी, चली है ससुरार, चली है ससुरार, छोटे है चले भे ससुराल, चली है ससुराल, संत मेरे अब छोटे दहो। समझा में सुनो बहना मेरी, सुनो गुइया मेरी, सुनो बहना मेरी,
सिंगार रे सुनो बहना मेरी सुनो आली मेरी सुनो चीची मेरी बहना मेरी सुनो बहना मेरी सुनो बहना मेरी आज कहने लगी मिलकर के बहनों मेरा सिंगार बना दो। मैं अब जा रही हूँ और एक संग खेली और आज जो है जाती है झलकारी झांसी में जो है बहुत प्रेम से रहती है बहुत खुशी मनते जो है रह रही है। और एक समय की बात है जो हम मैं बताऊं। अरे सन 1857 की सुन लो बिरन कहानी की सुन लो बिरन कहानी झांसी के अब कीले पे झांसी के अब कीले पे अंग्रेजन ने आयो आज सन 1857 में जो है झांसी पे जो लक्ष्मी बाई का किला था झांसी की रानी उस किले पे जो है अंग्रेज ने चढ़ाई किया। आज अंग्रेजों ने जब चढ़ाई किया आज एक बार अंग्रेजों ने चढ़ाई करके चले गए दोबारा जो है आए इधर जो है पता चला झांसी की रानी ने मन में सोचा कहने लगी अब हमें स्त्री दल जो है तैयार करना चाहिए। और उसी लक्ष्मीबाई ने जब उस समय दुर्गा दल चलता था और उसी दुर्गा दल में जो है पूरन कोरी की जो पत्नी थी झलकारी बाई वीरांगना झलकारी बाई उसको जो है उसी दुर्गा दल में सिपाही बना लिया। महिला सेना का जो है वीरांगना झलकारी ने पद पा करके आज हुआ क्या है। आज अंग्रेजों ने आए और दोबारा जो है अंग्रेज जो है आता है जिसका अंग्रेजों ने सबसे बड़ा एक अंग्रेज था जिसका नाम था जनरल हिंगरोज आता है अपनी सेना लेकर के और सेना लेकर के आकर के अचानक में जो है हमला बोल देती है सेना सारी जो है टूट गिरती है। आज लक्ष्मीबाई ने सोचा अब हमें क्या करना चाहिए। लक्ष्मीबाई ने क्या सोचा आज जब देखा महान वीरांगना झलकारी बाई ने आज आ जाती है आंगन में कहने लगी बहन सुनो हम इन अंग्रेजों से जो है हम मुकालबा करेंगे तुम ऐसा करो जो अकेला तुम्हारा पुत्र है दबोदर राव इसको लेकर के जहां से विश्वासी जो है तुम्हारे सेना उस विश्वास
सेना को लेकर के चली जाओ बहना, हम यहाँ की जो सेना है अंग्रेजों से हम मुकाबला करेंगे। आज दूसरे फाटक से झलकारी बाई जो है झांसी की रानी लक्ष्मी बाई को निखार दिया, और इधर जो है झलकारी बाई ने हाथ में तलवार को उठा लेती है और लक्ष्मी बाई ने अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पे बांध करके विश्वासी सैनिकों को लेकर के निखर जाती है। हमें तुम्हें बताया गया, हमें तुम्हें इतिहास के विषय में नहीं जानकारी बताई गई, हमें तुम्हें बताया गया है बच्चे बच्चे के जुबान पे रटा है, बच्चा बच्चा जो है जानता है। बुंदेले हर बोलो में मुंह बोली सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हमें तुम्हें बताया गया जो है झांसी की रानी लक्ष्मी बाई ने अंग्रेजों से लड़ा मुकाबला किया, लेकिन मेरे हमारे तुम्हारे समाज की महान वीरांगना बाई ने उनसे टक्कर लिया, उनसे पंगा लिया। आज भाग जाती है अंग्रेज जो से झलकारी ने टक्कर करे मुकाबला कैसे भैया। आज भेष बनाई के लक्ष्मी बाई को बहना ले लीनो कटार उठाई, हाथ उठाई के अब बहना अब आगे चली दियो ललकार। मारो है ललकार बहन ने अंग्रेजों से कही समझाई, ए अंग्रेजन से कड़े लड़ाई बहना देखो झांसी दरम्यान। कटी कटी रे रोंडा गिरती धरती पे भैया देन बिसरी ना जाए, ए भारी लड़ाई करे झलकारी अंग्रेजन ने करे तलवार। आज बहन झलकारी अंग्रेजों के संग डट करके मुकाबला कर रही है, और तब तक उधर से पता चल गया तुम्हारा जो है पति पूरन कोरी की उसी अंग्रेजों की सेना ने मार दिया। जिस समय पता चला है मेरा पति जो है पूरन कोरी आज युद्ध के मैदान में शहीद हो गया है, आज पूरन कोरी का जो है बहन क्या करती है। अरे भला जिसका पति युद्ध में जूझ जाएगा, युद्ध में मर जाएगा, उसको अपने पति की चिंता रहेगी, लेकिन बहन झलकारी ने आज डट करके अंग्रेजों से मुकाबला कर रही है। अरे बहना ने आजूर करे लड़ाई मर्द ध्यान बिसरी ना जाई, छोड़ाई दियो अंग्रेजन के
बहन गई देश में छाई तो झांसी के जो लोगों ने कहने लगा अब हमें आपका तो हो गया है, अब हमें विश्वास हो गया है। आज सुबह तलब स्टडी कंपनी का झंडा झांसी के किले पे लहराएगा। आज लोगों ने यही सोच रहे थे, तब तक हुआ क्या है। आज तेगा उठाए रे दिल ने पहना ने भारी के आगे अब बढ़ी आकार। ए चापे हिंग रोज अब बैठो पापे पहना रे पहुंची जाई। विचार करेंगे अब हुआ क्या है कि मारो ललकार की याद बहना ने जितने सैन करे परे दिखाई। आज झलकारी बाई ने ललकार की आवाज लगा देती है, कहने लगी हमें जानना नहीं इंग्रोज से मिलना है। आगे के सैनिक जो है आज मुकालबा करने लगे, कहने लगे जानन हिंग रोज समर जा, मैं तेरी हमेली पे आ रहा हूँ। आज जो है जानन हिंग रोज ने कहने लगा रे ठहर जाओ। आज जानन हिंग रोज कहने लगा ठहर जाओ। झलकारी बाई ने कहने लगी आज अंग्रेजों की जो सेना है आज उस सेना आज चारों ओर से बहना को घेर लेती है, लेकिन धन्य है वो वीरांगना झलकारी बाई बहन जो अपना महान गौरवशाली इतिहास में नाम कमाया, गौरवशाली इतिहास में अपना जो है आसन लेकर के अपनी वीरता को प्राप्त की। आज दारिदल ललकारे की वीरांगना ने अंग्रेजन के छत के छुड़ाई। ए चरण नहीं रोजने बोलो ठहरे ओ मेरे सैनिको आज। हिंगरोज ने ठहर जाओ, भला हमें देखने दो ये क्या चाहती है स्त्री। आज कहने लगा हमें देखने दो ये स्त्री क्या चाहती है, हमें मिलने दो इससे। आज जो है जनन हिंगरोज की सेना जो है अंग्रेजी, आज कुछ सेना को रास्ते से साफ करते हुए काटते हुए मारते हुए छांटते हुए वीरांगना झलकारी ने आगे को बढ़ जाती है। आज हमें तो याद आती है उस बहन महान वीरांगना की। आज की जो है हमारी बहनाएं देखो भैया संदीप। हाँ भैया। आज काल की बहनाएं देखो। हाँ
अगर अचानक में भैया नीरज कोई कुत्ता उन पे निगाह पसार दे तो आने क्या करें भैया, कुत्ता के सहारा के लिए कुछ नहीं है, उनके पास में कुछ नहीं है, आज बस एक चीज है भाई समझ जाओ भैया। वही तो भारी के रो झुनझुना मिले झुनझुना झुनझुना मिली है मोबाइल मोबाइल ओपो का रखिये, ओपो के रो मोबाइल रखिये भैया कलेश। और आओ भैया मोबाइल रख ले हाँ, अगर कोई कुत्ता जो जैसे भौंक दे देख ले, तब कुत्ता भौंक दे तो उनके काट खाए खाए ले धोखे में, यहाँ तो उनके पास वो झुनझुना निखरी है और निखार के यहाँ दोती 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 लगाई है। अरे तुम्हें बहनों उस महान वीरांगना पे घमंड होना चाहिए। अब बहनों क्या करोगी, हाथ में मजबूत डंडा, सात गांठी वालो अंग्रेजी वालो डंडा, अवा में भगवान बुद्ध करो पंचशील करो झंडा लगो हो, तब झंडा लगो हो पहली बात पंचशील करो झंडा तब देख लिया है तो कोई कुत्ता बोली है ना, ताकि पंचशील करो झंडा भगवान बुद्ध करो है तब कोई कुत्ता ना बोली है। अगर कोई बोली दे तो झंडा निकार करो जे मैया कह लो, और डंडा वो भैया सात गांठी वालों निखार करके मुंह पे घसीट करके, तब घसीट करके मारो, किसी कुत्ता की हिम्मत नहीं पड़ेगी। और वही तो मोबाइल रख ले आए, मोबाइल रख के चली है मैं तो उस महान वीरांगना की, आज वीरता को याद करते हुए महान वीरांगना झलकारी का जो है पावन चरित्र आप लोगों को सुना रहा हूं। आज फैशन में दुनिया ये जो दीवानी है, उस समय फैशन नहीं चलती थी, उस समय अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी शासन में फैशन नहीं चलती। आज महान वीरांगना बाई जो है अंग्रेजों से लड़ाई करके, अगर ऐसे होती तो आज अपना आसन महान वीरांगना जो है गौरवशाली इतिहास में नहीं लेती। आज जो मैं तो ये इस मंच पे जो बोल रहा हूं आपके लोगों के बीच में, वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी की दया पात्र से, जिसने हमें ज्ञान बताया और ज्ञान बता करके हमें आज यहां तलक पहुंचाया, हम उन्हीं के दया पात्र से आज बोल रहा हूं। आज फैशन में दुनिया दीवानी है, और कैसे दीवानी है भैया नीरज कैसे, फैशन में ये दुनिया दीवानी, फैशन में यह दुनिया दीवानी, फैशन की चली गई बीमारी, और भैया संदीप हाँ भैया जब से या फैशन आई है भारत में, भारत में जब से चली बीमारी, और फैशन में भैया की हुई गई दीवानी,
दर्शन में हुई गई दीवानी है बहन ना मेरी है भैया का करती हैं ऊंची एड़ी की सैंडल पहन दे बहुत अच्छे भैया ऊंची एड़ी की सैंडल पहन दे जिनसे ओटे पर बहु है निराला फैशन में बहना दीवानी है फैशन में आज फैशन में जो है दीवानी दुनिया हो गई। आज झलकारी बाई का जो है आज लड़ी और जन ही उसे जो है हिंग रोड जा ए, आज उसी के जो है पहुंच जाती है किले पे कहने लगी सुनो आज कहने लगी सुनो चरण नहीं रोजने बोलो चरण नहीं रोजने बोलो अब तो लक्ष्मी बाई को रे पायो चरण नहीं रोजने भैया कहने लगो रे सुनो रे बात एक कैद करो झलकारी को अब कहने लगो सजा क्या दूं जानन हिंग रोज ने कहने लगा बोल लक्ष्मी बाई तेरे साथ में क्या किया जाए तेरे तो हम किले पे दोबारा आ रहा था तुझको कैद करने के लिए बोल तुम मेरे आने से पहले आ गई क्या तुझे सजा दी जाए जानन हिंग रोज ने कहने लगा बोल लक्ष्मी बाई आज तो बिना बुलाए आ गई क्या सजा दी जाए। लक्ष्मी बाई ने कह वीरांगना झलकारी बाई ने कहने लगी सुनो क्या बोली कि फांसी दे दो रे आज तुम हमको बहना बोली रे बात सुनाई बात को फांसी दे दो रे कही सुनाई कहे अंग्रेजन ने बात मेरी भैया पंचो ध्यान बिसरी ना जाई We'll be right back.
आज आइए जो है थोड़ा विचार करेंगे, गौर करेंगे। आप लोगों ने, हम शॉर्टकट में आप लोगों को बताना चाहते हैं, आज महान वीरांगना झलकारी बाई ने कहने लगा हमें फांसी दे दो। आज कहने लगे सुनो, आज अंग्रेजों ने सलामी देते हैं, कहने लगे तुम जैसे भारत में वीर नारियों को आज अंग्रेज लोगों ने जिस समय सलामी दिया, तो आइए विचार करेंगे। चलते चलते अपने साथी कलाकारों का परिचय, किसी वम सा की अब प्यारो बीरन मधुरी ढोल करो बजाई, साख मेरो वीरन प्यारो हम मधुरी ढोल करो बजाई, अकले से वीरन नैमिष धाम से प्यारो रहो यार गन बजाई, औरो प्यारो संदीप बीरन गुरु भैयन ने भारी दीनो है साथ निभाई, और नीरज बोधि भैया है मेरे तीन मधुर चिमटा बजाई, और प्यारो बीरन दुर्गेश राजन जो है छोटो रे भात हमार, जिनको हमारी आवश्यकता है सेवा करने का अगर अवसर दे दिया आप लोगों ने, तो आपकी सेवा में मैं सदा सदा के लिए तैनात हूँ। आप लोगों का भैया हूँ, आप लोगों का बेटा हूँ। मेरा अगर संपर्क हमसे करना है तो मेरा नंबर लिख लीजिए आप लोगों ने। नवासी सत्तावन इक्यासी सत्तर आखिर में बीस लगाइयो आज, नवासी सत्तावन इकतालीस बीरना आखिरी सत्तरी आखिरी में लगाइयो बीस, पावत खबरिया ये तुम्हारे नगर में परी है पंचोई राज दिखाई,
बापुर जिला हमारो ग्राम जगत जीवन पर प्यारो रे और जस के राज है नाम हमारो पंचो ध्यान बिसरी ना जाए क्षमा करेंगे आप लोगों के समक्ष जो हमने महान वीरांगना झलकारी बाई के जीवन परिचय को समझाया। अगर हमें अवसर मिलेगा हमें समय मिलेगा तो आप लोगों के समक्ष जरूर हम बहुत ही जल्दी इसका दूसरा जो है आगे की कथा हम आप लोगों के समक्ष लेकर के आएंगे। क्षमा करेंगे तो आइए चलते चलते एक गीत है छोटा सा। मन ना रंगाए जोगी रंगदार कपड़ा रंगदार कपड़ा जोगी रंगदार कपड़ा कपड़ा रंगाए ए कपड़ा रंगाए जोगी मनु ना रंगाए बड़े बड़े बार रखा लिया और जानने लगे कहने लगे हम साधु हैं साधु साधु का मतलब लोगों ने नहीं समझते साधु हैं साधु और बड़े बड़े बार राखे बन गए साधु ए बड़े बड़े बार राखे बन गए साधु बार रखाए जगिया दाढ़ी रखाए मनो न रंगाए जगिया रंगदार कपड़ा करने लगे मालूम क्या देने लगे
भाई बिरपुली बन गए बकरा, मनु ना रंगाए जोगिया रंगी डारे कपड़ा। खा करके बिल्कुल बकरा मानने लगे, बांध बकरा जा रहे। आज मन को नहीं रंगाओगे, कपड़ा रंगाने से कुछ नहीं होगा। रंगदार कपड़ा, रंगदार कपड़ा, मन ना रंगाए जोगिया रंगदार कपड़ा। आप लोगों को मेरा कोटि कोटि नमो बधाई। अगर अवसर मिलेगा आप लोगों के समक्ष जरूर समाज की सेवा करने के लिए हम सदाओ तट पे हैं। याद करें हमें, हम तुम्हारे दरवाजे पे जरूर आएंगे। नमो बधाई, जय भीम।